देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जीशान जावेद आपके साथ। अमैया थाना अंतर्गत अस्पताल चौराहे के पास अवैध रूप से संचालित पैथोलॉजी प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने की सील। प्रशासन के इस कदम से स्वास्थ्य सेवा देने वालों के बीच हड़कंप का माहौल। अवैध पैथोलॉजी पर गिरी प्रशासनिक गाज, पैथोलॉजी को किया गया सीज। अमैया थाना क्षेत्र के अस्पताल चौराहे का है मामला। रीवा में इन दिनों कुकुरमुत्ते की तरह उगाई फर्जी अस्पताल और पैथोलॉजी लैब की जांच की जा रही है, जिसमें मानक के अनुरूप सुविधाएं नहीं पाई जा रही हैं। उनको पहले नोटिस देने का काम किया गया, उसके बाद अब तालाबंदी की जा रही है। ऐसा ही एक नज़ारा अस्पताल चौराहे के पास गोपाल मेडिकल के पास नजर आया। यहाँ पर अमैया थाना क्षेत्र के अस्पताल चौक गोपाल मेडिकल के पास संचालित फर्जी पैथोलॉजी पर प्रशासन की दबिश। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टरों के संरक्षण में चल रही थी फर्जी पैथोलॉजी लैब। जिला प्रशासन और डॉक्टरों की टीम ने कार्रवाई करते हुए पैथोलॉजी को सीज कर दिया है। इस समय रीवा जिले में लगातार फर्जी पैथोलॉजी की सूचना प्रशासनिक अधिकारियों को मिल रही थी, जिसके बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया। शहर में संचालित ऐसे फर्जी पैथोलॉजी को टारगेट करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई से रीवा शहर में हड़कंप मचा हुआ है। डॉक्टरों की टीम एवं प्रशासनिक अधिकारी द्वारा कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से संचालित पैथोलॉजी को सीज कर दिया गया। कहा गया, जिले में जिनकी सूचना सामने निकल आएगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सीज की कार्रवाई से रीवा में हड़कंप मच गया। फर्जी क्लिनिक एवं पैथोलॉजी संचालित करने वाले लोगों के खिलाफ जल्द ही जिला प्रशासन के द्वारा आगामी दिनों में कार्रवाई की जाएगी। फर्जी क्लिनिक को सीज करने के बाद प्रशासनिक अधिकारी नायब तहसीलदार यतीक शुक्ला के द्वारा बताया गया, रीवा शहर के गोपाल मेडिकल के पीछे सूचना मिली थी फर्जी पैथोलॉजी का संचालन किया जा रहा है। यहां पर टीम का गठन करके मौके पर देखा गया तो सूचना सही मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए फर्जी पैथोलॉजी को सीज कर दिया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। रीवा में इन दिनों लगातार कई दिनों से शिकायत मिल रही थी स्वास्थ्य विभाग को कि जगह जगह पैथोलॉजी अवैध तरीके से संचालित की जा रही है, कुछ अस्पताल भी मानक के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि जबलपुर की घटना के बाद प्रशासन सचेत हुआ था, उसने लगातार इस ओर नजर रखने का काम प्रारंभ किया। जैसे ही उसको सूचना मिली, अस्पताल चौराहे के पास गोपाल मेडिकल के पीछे एक पैथोलॉजी अवैध रूप से संचालित है, पूरा अमला वहां पर पहुंच गया। ये इंदिरा मार्केट में गोपाल मेडिकल के पीछे एक डॉक्टर डायग्नोस्टिक करके हमको शिकायत प्राप्त हो रही थी कि जिला प्रशासन को कि ये जो पैथोलॉजी है ये अवैध रूप से संचालित है और किसी भी पैथोलॉजिस्ट का यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं है, और साथ में जो ये दुकान है सब पैथोलॉजी वो भी अवैध रूप से बिना रजिस्ट्रेशन के ही संचालित हो रही थी। मौके पर आकर के डॉक्टर टीम के द्वारा DHO 1 DHO 2 के द्वारा यहाँ पर हम लोगों के द्वारा संयुक्त रूप से जाँच की गई, जिसमें से शिकायत को सही पाया गया है। हाँ, अभी मौके से जो ये लड़के हैं यहाँ पर वो डॉक्टर्स का नाम ले रहे हैं कि कोई डॉक्टर हैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, डॉक्टर सद्दाम करके उनका नाम बताया जा रहा है। मौके पर उनको बुलाया गया, उन्हें सभी पूछताछ जारी है कैसे किस आधार पर ये पैथोलॉजी संचालित है। किसके नाम से पैथोलॉजी? ये डॉक्टर डायग्नोस्टिक हैं और एक महिला पैथोलॉजिस्ट का नाम है जो बता रही हैं, सुमन जिज्ञासी, उनका बताया जा रहा है कि सतना से वो अप डाउन करते हैं। उनसे दूरभाष में बात भी की गई फ़ोन पर, तो उन्होंने बोला कि हम सतना से अप डाउन करते हैं और उस पर आधार पर ही यहाँ पर हम रिपोर्ट देते हैं। हाँ, अब इसी बात पर हम लोगों ने जो रिपोर्ट्स आज हुई हैं उनको जब्त कर रहे हैं और उस पर डॉक्टर सुमन से हम आगे चल के इस पर पूछताछ करेंगे कि उनके द्वारा इस पर कैसे जाँच की जा रही है, कैसे अपने हस्ताक्षर किए जा रहे हैं।